दिल्ली में हम लोग बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने के लिए भेजते हैं। आज तक 86 ट्रेन जा चुकी है, लगभग हर हफ्ते 10 दिन में एक ट्रेन जाती है बुजुर्गों को लेके। अब तक 86 ट्रेन जा चुकी है, आज 87वीं ट्रेन जा रही है और अभी तक 82,000 से ज़्यादा बुजुर्ग इन ट्रेन्स में अलग अलग जगह तीर्थ यात्रा, द्वारकाधीश है, रामेश्वरम है, पुरी जी है, शिरडी बाबा है, हरिद्वार ऋषिकेश है, हम जगह जगह भेजते हैं। अयोध्या जी है, वहाँ पे तीर्थ यात्रा करने के लिए उनको भेजते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको हर बार यहाँ पे रवाना करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए आऊँ। अभी मैं मिला सबसे, सब लोग बहुत खुश हैं और 22 तारीख को जब वहाँ पे मंदिर का शुभारंभ होगा तो उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि अयोध्या के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ट्रेन हम लगा सकें, ताकि लोगों में बहुत उत्साह है अयोध्या जी जाके रामलला के दर्शन करने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा और ट्रेन जो हैं वो अयोध्या जी के लिए जा सके। आपके जाने के 22 तारीख को उनका एक लेटर आया था, उसके बाद हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि कोई पर्सनली इनवाइट करने के लिए, फाइनल इनविटेशन देने पर्सनली उनकी टीम आएगी, वो तो आई नहीं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। उसमें लेटर में उन्होंने लिखा है कि बहुत ज़्यादा VIP और VVIP आएंगे और इसीलिए सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए एक ही व्यक्ति अलाउड है वहाँ पे अभी इस टाइम जाना। तो एक तो फाइनल इनविटेशन का मुझे नहीं पता, कोई आया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ, और मेरे माता पिता को भी बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं, तो अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के साथ मैं जाऊँगा। बाद में चले जाएंगे जब भी, एक बार ये अभी हो जाए 22 तारीख में। बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने कहा था कोई देने के लिए आएगा, लेकिन अभी कोई आया नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाद में सब परिवार में जाना चाहता हूं, तो बाद में सब परिवार में आएंगे। जो भी कानून संगत, जो भी काम है कानून के हिसाब से, वो कानून के हिसाब से करेंगे। 24 की लड़ाई क्या मंदिर से होगी? मोदी जी दक्षिण के दो मंदिरों में गए सर, 24 की लड़ाई मंदिर से लड़ी जाएगी सर? राहुल जी भी शिव मंदिर गए सर? मेरे ख्याल से मंदिर तो भावना की बात है, अपने सबके अपने धर्म के हिसाब से, सबका अपना अपना फेथ है, विश्वास है, तो वो तो भावना की, भक्ति की बात है, उसमें राजनीति नहीं है।